वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। मेरा नाम है साक्षी, जो मुझे नहीं जानते। आज मेरी मॉम डैड की एनिवर्सरी है, सो एक गेट टुगेदर होने वाला है। बड़ा ही अच्छा दिन जाने वाला है आज। मैं, अंशुम, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हम जाएंगे मम्मी पापा से मिलने एंड केक पे काटेंगे, मजे करेंगे एंड आप लोग बने रहो। एक और बात, मैं सबसे पहले तैयार हो गई हूँ। मैंने सोचा कि मैं तैयार होकर बैठ जाऊँगी, थोड़ा कॉन्टेंट रिकॉर्ड कर लूँगी रील्स शॉर्ट्स के लिए, और ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी रेडी हो गई हूँ। लाइक अभी 4:30 बज रहे हैं एंड हमें निकलना है 6 बजे, और मेरे पास करने को कुछ नहीं है। कह रहे हो क्या पहनूं? सो गाइस, मम्मी को हो रही है कन्फ्यूजन कि क्या पहना जाए। सो क्या ऑप्शंस क्या है बताओ तो सही। जीन्स वगैरह पहनने का मन है या कुर्ती पहननी है बताओ? सोचिए, जीन्स पहनूं या कुर्ती, जीन्स कुर्ती या फिर वो। गाइस वेट वेट फॉर हर फाइनल लुक। चलें? अरे बाल ही नहीं बनते। आई थिंक सबसे पहले मैं ही रेडी होती हूँ हमेशा। चल तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और बहुत ही अच्छा दिन है आज, क्योंकि आज है साक्षी की मम्मी पापा की एनिवर्सरी, और एनिवर्सरी में हम जा रहे हैं बाहर, और इसी के साथ हमने शुरू कर दिया ये व्लॉग। सो गाइस हेलो फिर से, और जय श्री राम। तो अब हम जा रहे हैं, पहले तो जा रहे हैं मंदिर, उसके बाद कुछ सामान वामान खरीदना है, और फिर उसके बाद हम जाएंगे फैमिली डिनर के लिए, क्योंकि एनिवर्सरी। सो गाइस बेसिकली हमें केक भी खरीदना है मम्मी पापा के लिए। सो अभी केक उठाएंगे, गिफ्ट लेना है और मंदिर जाना है। सो बस हम रास्ते में ही है एंड अभी तो शाम हो रही है, तो हमने ऐसे डिनर वाला प्लान रखा है। आराम से, मैंने कहा कि आराम से मिल लेंगे, टाइमली मिल लेंगे, ताकि यू नो स्नैक्स भी खा पाए, बातें भी कर पाए एंड फिर डिनर करें। वरना क्या होता है, हमेशा रात को अगर 9 बजे पहुंचो ना, तो ऐसे 1-2 घंटे में सब कुछ नहीं हो पाता। इसलिए आज मैं घर पे भी थी, आज टाइम भी था हमारे पास, तो हमने कहा कि यू नो आज मैं सुना नहीं गई ना, मैंने कहा था मम्मी पापा को टाइम देना है आज। काफी टाइम दे दिया, रात में ही जा रही तू तो। लेकिन खुद ही बना लेते, वरना घी नहीं है ना, घी नहीं। अच्छा, बिना घी के दिए साईं बाबा ने, जी ने जलाए थे पानी से दिए। साईं बाबा थे आज मंदिर आए हैं, बस उसके बाद जाएंगे चीजें खरीदने एंड फिर मिलते हैं आपसे। भैया आ चुके हैं, सो घी नहीं था यहाँ पे, सो भैया घी लेके आ गए। हेलो भैया, कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताओ? वेलकम। बढ़िया, वेलकम। इन्हीं भैया से हम लेते हैं अपना प्रसाद। सो गाइस मैं आपको मिस्टर विनोद जी से मिलाना चाहती हूँ। हेलो। तो ये हमेशा ये यहीं पर होते हैं हमारे साथ, और हम इन्हीं से प्रसाद लेते हैं। हाँ, वेलकम। और ये बहुत अच्छे है ना भैया? बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। भैया के लिए, भैया मैम के लिए, भैया के लिए, मैम के लिए, दोनों के लिए। चलो आप, हमारा ट्रैवल से काम है, बढ़िया रहना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, चलो अब इसी बात पर सबको क्या बोलोगे आप? सब्सक्राइब कर दो चैनल। सरप्राइज करना चाहता हूँ कि सब खुश रहो इस लाइफ के अंदर, एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। चैनल पे आप इससे कर लाल बटन दबा दो, लाल बटन। आप उनको बोल दो कि सब्सक्राइब कर दे। आप सरप्राइज कर दीजिए, ऐसे लेके दोनों भैया के लिए और सबके लिए लाइक करिए। यस, शेयर कर दो। थैंक यू। केक लेने आए हैं बस अब हम। कौन सा ले अंशु? कंफ्यूजन होती है भाई, केक देख के तो समझ नहीं आता कौन सा ले। ट्रफल ले ले भैया, एक ट्रफल दे दो। तो हम आ गए हैं मिठास, और यहाँ पे है बहुत ही सारी मिठास वाली चीजें। ये पिंक वाली मिठास भी है यहाँ पे। मिठाई की शॉप पे भी केक मिलता है, सोचो यार। हाँ तो मॉडर्न, बट बीकानेर वगैरह पे तो नहीं मिलता, हल्दीराम बीकानेर पे। हल्दीराम में शायद मिलता है, बीकानेर पता नहीं, मुझे नहीं पता। मिठास पे तो केक मिल रहा है, हमने तो ले लिया। मम्मी ने स्पेशली स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई छोटा केक ही लाना। तो अभी आप हमारे केक का साइज देख लेना, 1.5 केजी है, 1.5 केजी लग रहा है, लेकिन पौवा 250 ग्राम लग रहा है, 250 ग्राम लग रहा है। भैया आधा किलो है ना वो, भैया आधा किलो है ना केक, आधा किलो का ही है ना, 1.5 केजी है। भैया कह रहे चेक करा दो मैम को। हाँ, ये देखो भैया ने चेक भी करा दिया था। भैया कह रहे देखो मम्मी पापा लिखते हैं। भैया कह रहे मम्मी पापा मत लिखो, पापा मम्मी लिखो। नहीं लेकिन हम तो मम्मी पापा ही लिखेंगे पहले। अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा, यहाँ की टीम बहुत अच्छी है एक्चुअली मिठास की ना, मतलब खाना तो अच्छा है ही इनका, हमने बहुत ऑर्डर किया हुआ है घर पे, है ना? हाँ, और इनकी ब्रांचेस भी काफी सारी है। 20 ब्रांचेस होते हैं। रियली? यस। वाह, मुझे लगा था। और डालिया वाले नोएडा में। अच्छा वाह, तो यहाँ पे जरूर आओ गाइस, अगर आप
आसपास रहते हो, आसपास नहीं भी रहते तो बहुत ब्रांचेस है। गाइस आ गए मम्मी पापा दोनों। अरे मम्मी वेस्टर्न आउटफिट सही लग रहे हो, बहुत टाइम लगा। मस्त लग रहा है। एंड पापा इज आल्सो हियर सेलेक्ट करने में, है ना? काफी टाइम लग गया। हम केक लिया, गिफ्ट्स वगैरह सब कुछ लिया है। केक भी लिया है ना? केक भी लिया है। चॉकलेट ट्रफल केक है, इसकी डिमांड पे इसने कहा था ट्रफल खाना। मस्त लग रहा है। नहीं नहीं पापा अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। बट सही लग रहा है। आप पे वेस्टर्न कपड़े सूट करते हैं और आपने बाल भी बनाए हुए अपने। आपके बाल में पता है कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे प्रॉपर घने बाल हैं आपके, है ना अंशुम? ऐसे लग रहा है जैसे बंदों ने प्रॉपर जैसे प्रॉपर विग नहीं लगा लेते सर पे, वैसे लग रही है मम्मी। घने नहीं है ना, घने है मम्मी प्रॉपर। देखो वही, सच में देखो वही। मैं ओ भाई आपके नहीं बाल अच्छे होंगे। अरे मम्मी आदिवासी ऑयल लगा रहे हो ना आप, तब जिसका एड चल रहा है आजकल बहुत इंस्टाग्राम। अच्छा तभी आपके बाल ऐसे हो रहे हैं। वाह यार, हम भी ट्राई करेंगे। फायदा है उसका, फायदा हो रहा है। देखो अपने सैलून में भी रखा, सैलून में नई सर्विसेज गाइस। आदिवासी ऑयल स्टार्ट हो रहा है, आदिवासी ऑयल सर्विस। मैंने मंगाया था आपकी दाढ़ी के लिए। अच्छा मंगाया इन्होंने था, काट दी मंगाया इन्होंने था, यूज यहाँ पे हो गया। गाइस आदिवासी ऑयल का ट्रीटमेंट स्पा आने वाला है एंड बाल बनाए ऐसे मम्मी की तरह घने इस उम्र में भी। लंबे भी हो रहे हैं फिर से बाल। कहती है आपको दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है, दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही, मेरी दाढ़ी कटवा दी। मेरा विचार था दाढ़ी भी लंबी बनाऊं, बाल भी। ऑयल मंगाया था पापा के लिए लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया, यहाँ यूज हो गया। एंड गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं, मम्मी पापा भी पहुँचने वाले हैं। एंड वही बहुत सारे DMs आ रहे हैं आप सबके कि लव स्टोरी ब्लॉग डालो, लव स्टोरी ब्लॉग के लिए। तो मैं सबको यही बोल रही हूँ, कब आएगा यार फटाफट से 20,000 सब्सक्राइबर जल्दी से करो प्लीज। आप लोग अपने साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स जिनके मोबाइलों से, सबके मोबाइलों से सब्सक्राइब कर दो, सबके फोन से हमारा चैनल सब्सक्राइब करो अभी जाके। अगर आप चाहते हो हम जल्दी से लव स्टोरी अपना ब्लॉग दिखा दे तो प्लीज गो एंड जस्ट आस्क एवरीबडी, फटाफट से फोन लो। सो गाइस वी हैव रीच्ड। तो मैं क्या कह रही थी कि फटाफट से फोन लो एंड सबके फोन हो, अपनी मम्मी बहन फ्रेंड सबके फोन हो, मम्मी सब्सक्राइब करवाना क्योंकि लव स्टोरी ब्लॉग 20,000 में यस। तो जाओ अभी आप सब्सक्राइब करो एंड सबके फोनों से करवाओ। मैं यहाँ पे सबके फोन से करवाती हूँ सब्सक्राइब। एनिवर्सरी वाले लोग, ये है इनकी एनिवर्सरी। हेलो मम्मी, सब आपको विश कर रहे हैं हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी। बस हम मिलते हैं आप थोड़ी देर में। पापा का फास्ट है तो इसलिए मम्मी फ्रूट्स काट के लाई है स्पेशली, एक समधन ने ध्यान दिया है ना। पापा का फास्ट तो वो ये वाले फ्रूट्स खाएंगे, बाकी हम सब खाएंगे प्रॉपर। ओके सो यहाँ पे फोटो वोटो सेशन चल रहा है और ये डेकोरेशन करवाई थी थोड़ी सी हमने यहाँ पे बलून्स की। ये किसी और के लिए हो रही है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, मौके का फायदा। मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, हैप्पी एनिवर्सरी नीचे कॉमेंट कर दो सब लोग फटाफट। ये देखो रोमांटिक पोज। तो यहाँ पे बन रही है स्टोरी। तो ये BTS है, BTS है। मुझे ऐसे पकड़वा दिया, देखो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा और आगे स्टोरी सुनने के लिए आप सुन लो। ओके तो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अपने पापा को एंड गाइस मुझे बताना है कि मैंने अपने पापा से सीखा क्या है। बहुत कुछ सीखा है, सारी उम्र मैं तेरे को सिखाता रहा। वाह। तो सबसे पहले पापा ने सिखाया कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अब बच्चे मेरे को सिखा रहे हैं आप। सुन लो मैं कुछ, सुनो ये BTS मस्त है यार। अच्छा सुनो, अब वो उम्र आ गई है, बच्चे पढ़ रहे हैं अब। पापा सुनो ना, पापा ने सिखाया मुझे कि सबकी हेल्प करनी चाहिए। अगर आपके पास 1 रुपए है और भगवान और दे, जय साई राम, जय साई राम। पापा ने जय साई राम। सो अब पापा का हो गया, अब मम्मी का शूट स्टार्ट है। मम्मी की स्टोरी डलने वाली है अब, मम्मी की बात। सो गाइस मम्मी आ चुकी है फ्रेम में एंड मैं बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी प्यारी मम्मी से सीखा क्या है कि हमेशा जो भी चीज करो वो दिल से करो, एंड जो करना है अपनी दिल की हमेशा सुनो, है ना मम्मी? यही सीखा मैंने। नहीं गर्दन नहीं लानी, पापा मम्मी को फोर्स करते हुए बोलने के लिए सच्चे दिल से करना चाहिए तभी सक्सेस मिलती है। बोलो ना, आ जाओ। हो गया बढ़िया, हो गया बढ़िया, शूट हो गया एकदम।
भाई यहाँ पे वैरायटी देख लो, सो मेनी स्वीट, खाना मस्त है यहाँ पे। और अभी हमने स्टार्टर्स खा लिए, बस हम सूप की तैयारी करेंगे। सूप में है मटन सूप, सॉरी वी आर वेजिटेरियन, वियतनामीज लास्का वेज सूप, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। भाई साहब नूडल सूप लग रहा है तो प्रॉपर। तो पिया जा रहा है वियतनामी लास्का वेज सूप, लास्का ये बेसिकली नूडल सूप है, वियतनामी इसको बस नाम है। ये देखो नहीं मेरी नाक दे रही है, तेरी वजह से जुकाम लग गया, तू बीमार थे तूने मुझे बीमार कर दिया। मैं तुझे बोलता रहता था कि मत आ मेरे पास, मत आ मेरे पास, और तूने मुझे बीमार कर दिया। तेरे पास थे ठीक है ना, अलग अलग ब्लैंकेट्स में सो रहे थे हम, क्योंकि खुद बीमार थी इससे मुझे भी कर दिया, मेरी ब्लैंकेट में घुस घुस के इसने, बड़ी चलाक है। वैसे ये है मेरी प्लेट और ये है साक्षी, ये प्लेट मत दिखाओ, कुछ ज्यादा ही खाना ले लिया ऐसा लग रहा तूने। एक प्याज, एक चॉकलेट, एक ब्राउनी, थोड़े से नूडल्स, और ये क्या ग्रेवी टाइप के, यही बनी चिली मशरूम की ग्रेवी। और मेरा देखो ये कुछ रेड वेलवेट टाइप था, और दाल दाल मखनी और नॉर्मल राइस विद सम सिरके वाला प्याज। नहीं मम्मी आप सोचो, आपकी नई नई शादी हुई है अभी, फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज, आओ 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 पापा, फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज है। मैम ही मैम कोई बात याद देख लिया मैंने, बट आई इग्नोर छोड़ लगता हूँ, पागल कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ती है। चलो अंग्रेजी दोस्तों, मम्मी की अंग्रेजी खत्म ही नहीं होती जैसे कैमरा ऑन होता है, मम्मी का स्टाइल ही खत्म नहीं होता, मम्मी हिंदी में बात कर सकते हैं। क्या हुआ अगर मैं इंग्लिश में बात कर रही हूं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बट वीडियो ऑन करके अंग्रेजी। चलो भाई बहुत मजा आया, मिलते हैं फिर, चलो पापा बाय। अच्छा था, बाय बाय, जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम बोल रहे पापा सबको, बहुत मजा आया गाइस। अब चलो अब आप सब आ जाओ मम्मी, ओके बाय बाय कर दो सबको, ओके गाइस बाय, चैनल सब्सक्राइब कर दो सब, जय साईं राम, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड फटाफट से 20,000 कर दो यार, जल्दी से फटाफट से फोन, सिर्फ 20,000 का दे रहे हैं, फोन पकड़ो सबके पड़ोसियों के, मम्मी पापा सबके, एंड कर दो 20,000, बाय 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 बाय। तो गाइस मम्मी आ चुकी है फ्रेम में, एंड मैं बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी प्यारी मम्मी से सीखा क्या है कि हमेशा जो भी चीज करो वो दिल से करो, चाहे कोई भी काम करना है बेझिझक करो, हिम्मत मत हारो, एंड जो करना है अपनी दिल की हमेशा सुनो। सुख नहीं पहुंचा सकते तो दुख के मत, किसी को अगर हैप्पी नहीं कर सकते तो किसी को दुखी भी मत कर। बहुत कुछ सीखा है सारी उम्र मैं तेरे को सिखाता रहा। तो सबसे पहले पापा ने सिखाया कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, अब बच्चे मेरे को सिखा रहे हैं आप। पापा ने सिखाया मुझे कि सबकी हेल्प करनी चाहिए, अगर आपके पास 1 रुपए है और सामने वालों की जरूरत है तो आप वो 1 रुपए भी दे दो, चाहे भगवान और दे दो। जय साईं राम।